निर्णय नहीं हुआ निजी काम में क्यों रोके 45 दिन में जब निर्णय नहीं हुआ निजी काम को कोई क्यों रोके। देखिए तब तक कोई काम नहीं है, निजी काम लीगल काम है, इलीगल कोई है नहीं, लीगल काम ये किसके लिए कर रहे हैं आप? जो लीगल काम ये सुचार बना रहे हैं जीएसएससी गांव वालों के लिए बना रहे हैं क्या? सरकार बना रही है, सरकार कहाँ बना रही है? ये तो मल्टीनेशनल अडानी बना रही है, अडानी बना रही है। बिजली कहाँ? अरे सर अडानी बना में जाएगी, आप लोगों को तो मिलेगी ना, इसको कोई तो यहाँ पर दे रहे हैं मिलेगी। अभी बिजली की संकट कितना किस लेवल पे आपको पता है? बिजली का संकट कितना आपको पता? बात करिए। हाँ मैं बात कर ही रहा हूँ, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कितना संकट ग्रिड में जाती है। ग्रिड पता है मिलती है ग्रिड की बिजली आपको पता है? राजस्थान में आपने आंकड़े शायद नहीं देखे, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जितनी बिजली की खपत होती ना उतना हमारा बाड़मेर और जैसलमेर और बीकानेर का ये जो बड़ला वाला बेल्ट अकेला जनरेट करता है, फिर भी आज सबसे ज्यादा बिजली की क्राइसिस है। तो अभी आई है ना, मैं आपको बता दूं है ना, बड़ला वगैरह ये सारे जो प्लांट है इतने लंबे समय से चल रहे हैं, यहाँ के लोगों को नहीं मिलनी ये बिजली, ये जानी बाहर ठीक ग्रिड में जाती है। मैं आपको अर्ज कर दूं, सप्लाई होती है, अर्ज कर दूं ये चीजें, मैं तो हाउस में भी ये पूछ चुका हूँ और उसका जवाब आया, वो भी आपको कई दिन कभी आराम से मिलोगे तो बताऊंगा। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, हमारा मोटिव लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करना नहीं है, हमारा भी नहीं है, आपसे ये निवेदन है बनाए रखें। लॉ एंड ऑर्डर हम पूरे तरीके से मेंटेन करके बैठे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हमारा निवेदन कि आप या तो हमें लिखित में दें, आप लिखित में देते हैं तो हम आपके साथ में खड़े रखे काम शुरू करवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लिखित में नहीं देते हैं तब तक आप मेहरबानी करके ये काम को होल्ड करें। एमएलए साहब जो कंपनी को प्रपोजल कंपनी का गया उसमें से किसी खसरे में काम नहीं कर रहे हैं, प्रपोजल जीएसएस क्या लोगों के लिए बना रहे हैं? लोगों के लिए नहीं बन रहा है, लेकिन गांव के लोगों की औरण के मुद्दे का समाधान हो जाएगा उसके बाद ही काम होगा। आप उसके बाद काम शुरू करो ना, लेकिन जो आप उसके बाद काम शुरू कर लो, पर कंपनी की जो परचेज की भी जमीन है या लीज हुई है उसमें आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं वो पर्सनल कुछ नहीं, जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल है या कंपनी को लेकर रेस्पॉन्सिबल है? जनता को लेकर, जनता को है और कंपनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत काम कर रही है। जनता जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल है आप? बिल्कुल है, जनता की आवाज तो है रेस्पॉन्सिबल, जनता के लिए भी रेस्पॉन्सिबल। ये आदरणीय तहसीलदार जी का मामला नहीं है, ये डिप्टी साहब का नहीं है, किसी और का नहीं है, तो हम सबका है, किसी व्यक्ति का उसी में नहीं आया। 80 साल की लेडी बैठी, जितना आपका हित है उतना उतना हमारा सभी का है, सबका बराबर हित, ऐसा नहीं है सबकी लड़ाई पर्सनल है, हम इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। तो पीछे बैठी है बंद कमरे में, पीछे कहीं बैठी है और वो आपको फोर्स को जबरदस्ती आगे करती है ताकि गांव वालों और फोर्स के बीच में टकराव। उसमें आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस बात की मेरे स्तर से जितनी पैरवी कर सकता हूँ मैं बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, पर इसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा आपको निश्चित रूप से आपकी और हमारी पैरवी का कोई मतलब ही नहीं, रिजल्ट निकलेगा। आप विचार करें कि 15 से 20 दिन में अभी तक जू तक नहीं रहेंगी, जू तक नहीं रहेंगी है, उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन रिजल्ट कर ले जब तक काम जो प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद आप शुरू करवा ले, कहाँ दिक्कत आई है। और दूसरी चीज साहब, एक चीज, एक छोटी सी, मैं निवेदन करूंगा, मान लीजिए ये जो जो लैंड जो ओरेंट थी वो जो कलेक्ट्री में सिवाई चक में जो अलॉट हुई सरकारी में उसको कंसीडर किया गया, उस समय गलती सिस्टम की रही, सिस्टम के लोग है ना, सिस्टम के लोग अगर यहाँ आ जाए कि आके फिजिकल वेरिफिकेशन करते, गांव वालों से पूछते, बात करते और इनका, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, आज ना आपको बैठने की जरूरत होती ना हमें बैठने की जरूरत। सही है। सेकेंडरी चीज, मैं सब तहसीलदार साहब, डिप्टी साहब, आप सब यहाँ के हैं, आप स्थानीय हैं, यह जो चीज जो है मामलो जो है स्थानीय, आज अगर एक जगह में यह प्रथा शुरू हुई रही तो हर गांव रे मीना है ओरण, आप रे गांव रे मीना भी है, आप रे गांव मीना है, मारे गांव मीना है, सारी ओरण गोचर एमएनसी में जाए, आज तारीख मीना थे थारो कर्तव्य निभा रहे हो, मे मारो कर्तव्य निभा रहे हो, हारो यह काम है कि साहब माना कहा करे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, मेंटेन रखा था, हमारी जिम्मेदारी यह है कि साहब जद तक ओरन बीजी नहीं हुए, जब तक अननेसेसरी आप कोई तरीके रो एड़ो प्रयास नहीं करो, जिके मीना आप ही भी हल्की लागे मार भी हल्की, निवेदन है कि आप लिखित में माना दो, लिखित में दो, आप जो भी आप लिखित में मना दो, मैं हाथों हाथ गोड बीचे ओम स्वाहा शुरू कराओ, 4 बीघा आगे बड़े बत्ता कह रहे लेना है, सरकारी लैंड पर होती है, होती है, बात यह है कि कंपनी द्वारा परचेज की या लीज हुई जमीन है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, आप जो कंपनी द्वारा जो लीज करी हुई जमीन है वो जीएसएस जो बन रहा है जिसके काम शुरुआत करने के